कि मैंने दाल को धो लिया है और इसमें पानी डाल के मैं सिर्फ हल्दी और नमक डाल के इसे बॉईल करने रख दूंगी सांभर के लिए। नमक हिसाब से डालेंगे क्योंकि तड़के में भी डालना है, बस इतना डाल के चढ़ा दूंगी। दाल को आधा कुक करूंगी मैं, मतलब ऑलमोस्ट 70%। फिर उसके बाद इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल के फिर एक विसल लगाऊंगी। सो अभी तो गैस फास्ट है और यहाँ पे प्रिपरेशन कर रखा है नारियल, धनिया, अदरक, लहसुन, सूखी लाल मिर्ची, इमली, कड़ी पत्ता, सब धो के रख दिया है मैंने। मैं अदरक, लहसुन, खोपरा, सूखी लाल मिर्ची, धनिया को पहले पीस लूँगी, इतने इतने आइटम को। यहाँ पे ये वेजिटेबल्स कट करके धो के रख दिए हैं। इसमें शेंगा है, सूरन है, दूधी है और गाजर है। सो इतना सब प्रिपरेशन करके इसको मैं पीस लूँगी। इसमें है अदरक, लहसुन, खोपरा, सूखी लाल मिर्च और धनिया। यहाँ पे तड़के के लिए दो बड़े कांदा और तीन टमाटर काट के रख दिया है। सब्ज़ी तो मैंने आपको बताया है, सब्ज़ी आपके ऊपर है आपको कौन सा यूज़ करना है सांभर में। और ये मैंने पीस लिया है पेस्ट। दाल होने को, मतलब दाल में दो सीटी हुआ है, अभी आधा हो जाए। यहाँ पे तेल गरम हो गया है, उसमें मैं डालूँगी हींग सबसे पहले, फिर डालूँगी एक चम्मच राई, फिर एक चम्मच जीरा। अब इसको अच्छे से तड़कने देंगे। इसमें मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता थोड़ा दूर से, क्योंकि धोया हुआ है, पानी है उसमें। फिर इधर डाल देंगे कांदा। कांदे को हमें ब्राउन करना है। यहाँ पे दाल का गैस मैं अभी बंद कर रही हूँ, क्योंकि इसे खोल के फिर मैं इसमें सब्जी डाल के वापस से दो सीटी लगाऊंगी। साइड बाय साइड तड़का भूनेंगे हम। अभी ये कांदा एकदम अच्छे से ब्राउन हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर के साथ साथ जो मैंने ये पेस्ट पीसा है, खोपरा, अदरक, लहसुन, धनिया, मिर्ची, मैं सब डाल दूँगी, क्योंकि सांभर में ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। खाने वाली ज़्यादा है, मुझे क्या करना है अभी, इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक ये टमाटर गल ना जाए और ये अदरक, लहसुन और खोपरा अच्छे से हो ना जाए। इसे मैं ढक के स्लो करके अच्छे से भूनूंगी। दाल आधा खोल दिया है मैंने। सो इस दाल में मैं अभी सब वेजिटेबल्स डालूंगी और एक ही सीटी लगाऊंगी। वेजिटेबल्स धो के मैंने यहाँ पे रख दिया। क्या-क्या वेजिटेबल्स डाले बताया मैंने? सूरन है, गाजर है, भोपला है, सेंगा है, परवल है, बीन्स है, और ये दूधी होती ना गोल वाली, गाजर वो है। वेजिटेबल्स तो अपने ऊपर है, कोई कोई बैगन, भिंडी भी डालते हैं। वेजिटेबल्स सारे अपने ऊपर हैं। सो ये बड़े बड़े चंक्स काट के मैंने इसमें डाल दिया है। सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी मैं अभी, और क्योंकि बाकी तो मसाले के साथ पकेगा ही बॉइलिंग पे। फिर से बंद करके चढ़ा देंगे फिर से। तो ये दूसरी चीज, ये गैस बंद कर दिया मैंने आफ्टर दो विसल। और यहाँ पे जो मसाला मैं भून रही थी, अब इसको और भूनना है। तब तक मैं इसमें थोड़े मसाले डाल देती हूँ, जिसमें जाएगा नमक। नमक दाल में डाला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग डालना है। इसमें जाएगा हल्दी। अंधेरा आ रहा है ना? नहीं, अंधेरा आ रहा है, पता नहीं क्यों। हल्दी डाल दिया मैंने और इसमें जाएगा रेड चिल्ली पाउडर। तीन मिर्ची मैंने पीसा हुआ है तो
थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए सांभर, 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी मैं, 1/2 चम्मच और डाल देती हूँ। अभी ये मसालों को मैं भूनूंगी, तो मसाला भी भून जाएगा, टमाटर भी गल जाएगा और ये नारियल का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से सब एक साथ भुनेगा। इसमें सांभर मसाला मैं थोड़ा रुक के डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, अब इसको ढक देंगे स्लो करके। सो ये अच्छे से मसाला ऑलमोस्ट भुन गया, ऑलमोस्ट टमाटर भी गल गया है, कलर भी चेंज हो गया है मसाले का। अभी स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी सांभर मसाला, लेकिन थोड़ा सा डालूंगी मैं, थोड़ा सा मुझे ऊपर से डालना है, ऑलमोस्ट 2 चम्मच हो गए हैं, मैंने अंदाजे से डाल दिया है। इसको मैं अभी सिर्फ एक बार और ढक दूंगी, थोड़ा सा सांभर मसाला इसमें हो जाए, टमाटर पूरा गल गया है, एक भी टमाटर अखा नहीं है। बस 2 मिनट और ढकूंगी, फिर ये जो दाल हुई है हमारी सब्जियों के साथ वो मैं उसमें पलटी कर दूंगी। अब ये हमारा मसाला एकदम डन है और इसमें हम हमारा दाल पलटी कर देंगे। सो ये दाल मैं डाल दे रही हूँ इसमें, मैंने पलटी कर दिया है। अभी मैं इसमें इमली का ये पानी डाल रही हूँ जो मैंने भिगो के रखा था, इसका पल्प जो है ये नहीं डालेंगे, निकाल लेंगे। अभी सिर्फ इसमें सांभर मसाला जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, फिर हमारा सांभर जो है रेडी है। तो मैंने दाल में पानी अपने अकॉर्डिंग डाल दिया है, कंसिस्टेंसी मुझे जितना चाहिए, और इमली का पानी भी डाल दिया है। इसमें सिर्फ एक लास्ट सांभर मसाला मैं स्प्रिंकल करके इसको ढक दूंगी। बस बॉईल आ जाए, इडली भी बना रही है। तो इसे मैं ढक दूंगी और 5 मिनट तक बॉईल होने दूंगी बस। तो यहाँ पे बॉईल हो रहा है, थोड़ा सा और हो जाए और यहाँ पे इडली हो रही है। सो सांभर मेरा बन के हो गया रेडी, गैस मैंने बंद कर दिया है, सांभर एकदम परफेक्ट बना है, इडली भी एकदम परफेक्ट बनी है। अभी एकदम डीमोल्ड कर रहे हैं, ये रेडीमेड आटा है, मैंने घर पे नहीं बनाया, हमारे यहाँ मार्केट में मिलता है 40 रुपीज़ केजी, तो ये एकदम कन्वीनियंट पड़ता है, मैं मंगा लेती हूँ। काफ़ी अच्छी इडली बनी है, काफ़ी सॉफ्ट, गर्म है, चटका लग रहा है। सो ये मैंने मेरा प्लेट ले लिया है इडली सांभर, इफ यू आर ट्रू साउथ इंडियन फूड लवर देन यू विल ईट लाइक दिस। मैं हमेशा ऐसे ही खाती हूँ, इडली को पूरा ऐसे फोड़ लेती हूँ और फिर उसके ऊपर ऐसे सांभर डाल के, जैसे हम दाल चावल खाते हैं ना वैसे ऐसे सान के, इसमें जो टेस्ट आता है ना वो चम्मच से खाने में नहीं आता है। ये मेरा फेवरेट वे खाने का, इडली सांभर।